माय चैनल, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने घरों में। और जी आपको कुछ बोल रहा है, और आप सभी को रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंचेगी। और सेकंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा यार, वीडियो को शेयर भी बहुत कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल ना ग्रो करना है, बट वो वहीं का वहीं रुक गया। मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि मेरा चैनल वहीं रुक गया, प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो हेल्प करो, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो, प्लीज़ यार कर दो यार, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर चुके हैं, आगे आपको दिखाती हूँ कि करवा चौथ जो है रात की पूजा करने के बाद में हम लोग के साथ क्या अचानक से क्या हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा के बाद क्या हुआ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो देखा आपने पूजा के बाद कॉल करना, हाँ कॉल करना, आप सभी मनराज को कॉल करना, ठीक है। हाँ तो देखा आप सभी ने, हम लोग रात में भागे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनका वीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम, बाबू नहीं सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी मॉर्निंग में भी हालत ख़राब हो गई थी उनकी। तो फिलहाल अभी थोड़ा दवाई वगैरह इधर दे के अभी तो फ़िलहाल कंट्रोल में हो गया, लेकिन रात वाला दवाई के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रहा था। फिर गए हैं हॉस्पिटल, गए हैं उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दिया, थोड़ा वहाँ पे रखा, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। फिर हम रात को आए 3:30 बजे वापस, और पूरे दिन की थकावट हो गई थी, फिर रात को पूरी रात जागे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। अभी मैं बहुत लेट उठी हूँ, करीबन 10 बजे के आसपास उठी हूँ, लेकिन उस टाइम भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और जैसे कि मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं आज आप लोगों से सही क्लियरली बता रही हूँ कि मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक, कभी एक बीमार हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है, फिर तीसरा बीमार हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी दादाजी को जब मैंने दिखाया कल करवा चौथ से एक दिन पहले, जिस दिन मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ, उस दिन की आपने वीडियो देखी होगी, तो उस दिन भी मैंने मनराज को लेके फटाफट भागे हैं हॉस्पिटल, इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको भी फीवर था, ये फीवर कुछ अजीब सा फीवर है, अंदर है ये बाहर नहीं आ रहा फीवर, और ये हमारे घर में 3 बंदों को हो चुका है, दादी को हुआ, फिर दादाजी को हुआ, मनराज को भी ऐसे ही हो रहा है, फिर आज टचूट मनराज की तो अभी तबीयत ठीक है, तो अभी इसको 2 दिन से अब फीवर नहीं है, लेकिन परसों भी था, उससे एक दिन पहले भी था, और उससे पहले भी हम लोग दवाई ले रहे थे, इसको ना फीवर हो नहीं रहा था सही से, और मतलब इसकी आँखें ऐसे चढ़ जाती थी, आँखें खोल नहीं रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, मतलब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। पर चलिए अब फिलहाल बाबू तो ठीक है हमारा, अभी दादाजी की थोड़ी ऐसी हालत हो रही है, तो देखते हैं थोड़ा, मतलब करवाया है इनका भी टेस्ट वगैरह करवाए हैं, और शाम तक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में देखते हैं क्या आता है, फिर बता पाऊँगी आपको अपडेट कि क्या है क्या नहीं है। खैर, और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ग्रो करवाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि काफ़ी पीछे रह गया है मेरा चैनल, मैं अपने घर के थोड़े बीच में ऐसे थोड़ा सा कामों में बहुत उलझ गई थी, इस वजह से मैं बिल्कुल भी चैनल पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ, लेकिन अब मैं ध्यान दे रही हूँ, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग अब मेरी दोबारा से हेल्प कीजिए,
मैं कभी नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर हो सके अपने अपने चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल का थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स भी हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, बाकी बातें मैं आराम से करती हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आप मेरे फेस पे देख रहे हो ना ग्लो कितना आ रहा है, और फेयर भी काफ़ी लग रहा है। मैंने इसमें कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें कुछ भी अभी नहीं किया, अभी डायरेक्ट वीडियो शूट कर रही हूँ, और उसी टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे फेस में, मैं आपको दिखा रही हूँ दो दिन में, मतलब दो टाइम की यूज़ में मेरे को मेरे फेस पे कुछ चेंजेस लग रहा है। और ये क्या चीज़ मैंने यूज़ करी है जो मेरे को इतना ज़्यादा चेंजेस लग रहा है मेरे यहाँ पर भी, जैसे मेरे को अलग कलर हो रहा था ना, इधर अलग था इधर था, अनइवन स्किन टोन, ठीक है, तो वो भी काफ़ी हद तक मतलब हो गई है, रिकवर हो गई है। एक तो देखो सीरम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो तो है ही, और एक टोनर है, बट उसके साथ साथ एक और क्रीम भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट लाइव कह रही हूँ, सॉरी, उसका डेमो करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्रीम है, बिलीव मी, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, आपको दो मिनट तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ और कंटिन्यू। अच्छा जी बात है, जब तक मैं अपने मनराज को छुला दूँ, क्योंकि अभी इनको नीनी आई है, अभी 10-15 मिनट वाली नीनी अभी बाकी है ना, तो वो जब करेंगे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। ताता ताता करो, ताता बोलो, बात करो, बात करोगे। हम लोग गए थे मार्केट, ठीक है, तो हम लोग कुछ लेकर आए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ तो हम लेकर आए हैं मनराज के लिए, ऐसे वाले पजामे गरम वाले, ठीक है, ये जो ऐसे नीचे से तंग होते हैं, ये वाले दो पजामे उसके। और नानी ने दी है मनराज की स्वेटर, गरम स्वेटर है, और मनराज के लिए ये वाली देखो गरम है, ये मुझे बहुत क्यूट लगी पहली बार में, तो एक ये ली है मैंने, ठीक है। और ये जो दो मैं शर्ट उस टाइम दिखा रही थी, ये दादाजी के लिए शर्ट ले दी थी मैंने, तो ये शर्ट लेकर आई, कॉटन की शर्टें हैं, बहुत अच्छी हैं, रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं आराम से, तो ये वाली ली थी। पहले हमने सोचा था हम विशाल चलते हैं वहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर मुझे रस्ते में ही सही सी मिल गई, तो फिर मैं यहीं से ले ली। बस यही छोटी मोटी शॉपिंग करी है हमने फ़िलहाल अभी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि दादाजी, इसकी लड़ाई चल रही है मनराज की, चल रही है लड़ाई पापा से कि मुझे तुम पहले गोदी उठा लो उसके बाद कोई काम करना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दादाजी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही देखते हैं क्या है। तो जैसे कि हमने डेंगू वगैरह का भी टेस्ट करवाया था और टेस्ट करवाए थे, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया, बस उनको थोड़ा सा फीवर है, फीवर की वजह से उनको थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा यार परेशान हो रहे हैं, उनको बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन की दवाई देने के बाद उसके बाद चेकअप करवाना, तो देखते हैं 3 से 4 दिन अभी दवाई दे, क्योंकि आज 1 दिन तो हो गया और बाकी के 2 से 3 दिन उसके बाद फिर, ठीक है। तो गाइस ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आगे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, ठीक है। और फेस के लिए क्या कुछ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि फेस बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है, देख सकते हो आप, फेस बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए वीडियो मैं आपके लिए कल बनाऊंगी, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको मिस्टर एम एस पाठक के चैनल पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है, तो आज ही मिलेगा लेकिन कल जल्दी वीडियो के बाद मिलेगा, ठीक है।